अब मैं आपको सीधा हलासन दिखाऊंगी, जिसको सिर्फ हलासन करना है, जिसको सर्वांगासन में पोजीशन को होल्ड नहीं करना उनके लिए। तो हलासन करने के लिए योगा मैट पर लेट जाइए। मैट पर इस तरीके से लेटिए आप कि आपके जब पैर पीछे जाएंगे तो मैट पर ही आप आ जाएं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को सीधा पीछे लेकर जाइए, आपको सर्वांगासन में नहीं आना। किस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले सांस लीजिए, ऐसे अपने हाथों को क्रॉस कीजिए और नीज को बेंड नहीं करना, और इस पोजीशन में होल्ड करिए। अगर आपको हाथों को क्रॉस नहीं करना है तो आप कमर पर भी हाथों को रख सकते हो, अगर आपको दर्द हो रहा है या आपसे बेंड नहीं हुआ जा रहा है, ताकि सपोर्ट कमर को मिल पाए। अब धीरे धीरे सेकंड पोजीशन में आइए। इसमें भी आप अपनी कमर को होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आने के लिए आप अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग को नीचे लाइए, उसके बाद राइट, उसके बाद इसको पोजीशन को होल्ड करिए। धीरे धीरे नीचे शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। तो कुछ ऐसे करना है आपको हलासन बिना सर्वांगासन किए हुए, बट अगर आप सर्वांगासन के साथ हलासन करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, तो ना ही आपको कोई झटका लगने वाला है और काफ़ी आराम से आप योगासन करेंगे, और एक साथ दो आसन होंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आपकी बॉडी पर अच्छा ही असर होगा, अच्छा इफेक्ट होगा। तो ये मैंने आज आपको तीन आसन बताए। सबसे पहला क्या था आपका? सबसे पहला आसन था चक्रासन, उसके बाद उष्ट्रासन और उसके बाद हलासन। ये तीनों आसन करने से जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, उनकी नज़र का जो पावर कम बढ़ रहा है वो ठीक होता चले जाएगा। तो ये तीनों आसन आप डेली बेसिस पे करिए, आपकी नज़र अच्छी होगी। लेकिन इसी के साथ आप ये ज़रूर याद रखें कि आपको अपना खान पीन अच्छी रखनी है, यानी हेल्दी चीज़ें खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, काफ़ी हेल्दी अपनी बॉडी में लेकर जाना है। जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना आपकी हेल्दी खाने के बाद आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। तो फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।